हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में स्वागत है। जैसे कि हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे पटवारी के लिए, तो उसमें हमने राजस्थान ऐतिहासिक सभ्यताएं पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में हमने कालीबंगा पढ़ी है, आज हम आहर सभ्यता पढ़ते हैं। देखो आहर सभ्यता क्या गजब बात है, इस आहर के बारे में वो सारी चीजें हम देखेंगे, साथ साथ में उसको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे। आहर सभ्यता, आहर सभ्यता मिली कहाँ है? उदयपुर। अब देखो आंसर में केवल उदयपुर दिया हुआ नहीं हो तो देखो एक चीज समझो कि वहां उस टाइम तो केवल उदयपुर था नहीं ना, उस एरिया को उदयपुर नहीं कहते थे ना, उदयपुर तो अब बने हैं, उस टाइम तो कोई नहीं था। तो आसपास वाले एरिया उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीड़वाला, तो यहाँ पे भी ऑप्शन में आ जाए तो वो भी आपके आंसर होंगे, परंतु सारे ऑप्शन में हो तो आंसर आपको क्या देना है? उदयपुर। ठीक है, तो इतना माइंड अपना ओपन रखा करो। दूसरा, इसको खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति थी। कब खोज की थी? 1953 में। ठीक है, 1953 में खोज की थी अक्षय कीर्ति ने। चलो बढ़िया बात है, ये चीजें बता रहा हूं तो याद की ट्रिक भी बता दूंगा। ये देखो ट्रिक ये रही, बताऊंगा इसका वर्णन भी करूंगा। उत्खनकर्ता, उत्खनकर्ता मतलब खुदाई के टाइम कौन मेन थे, मेन इन्होंने देखा था क्या चीजें पढ़ी, किसने थी, क्या लिखे, उनको समझने की कोशिश कौन ने की थी। पहले बंदे थे रतन चंद्र अग्रवाल, पहले बंदे थे रतन चंद्र अग्रवाल, 1956 में उन्होंने की। फिर उसके बाद एच डी सांखलिया, एच डी सांखलिया ने ये काम किया जो कि 1961 से 62 में। ये संघ याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि दो अलग अलग है ना तो नहीं पूछा जाएगा, ये याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो हर सभ्यता किसी ना किसी नदी के पास होती है, डेफिनेटली। जैसे हमने पिछली पढ़ी थी कालीबंगा किस नदी के पास थी? गग्गर नदी के पास थी, तो वैसे ही ये भी किसी नदी के पास होंगी। नदी के पास होना क्यों जरूरी है? कि नदी के पास ही उपजाऊ मिट्टी होगी, लोग खेती कर पाएंगे, पानी बिना तो कुछ नहीं भाई, इसीलिए। तो आहर सभ्यता किस नदी के पास थी? बनास नदी। अब बनास नदी के पास होने के कारण इसको क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। देखो आहर किसके पास थी? बनास नदी के पास, इस कारण इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, ताम्रकालीन संस्कृति है ये। ताम्रकालीन संस्कृति का मतलब यहाँ पे तांबे से रिलेटेड चीजें काफी मिली है, तांबे का यूज बहुत करते थे वो, इसलिए ताम्रकालीन सभ्यता कहते हैं इसको। ये हुई बात, जो छोटी छोटी 80% क्वेश्चन आपके यही आ जाएंगे, 80% क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। इसको याद करने की ट्रिक देखो, पहले देखो आहर, पहले लाइन पढ़ो, आहर सिंह के पुत्र, आहर सिंह एक बंदा है, उसका एक पुत्र है, क्या नाम है उसका? अक्षय। तो आहर सिंह के पुत्र अक्षय से, ये दोनों रहते कहां है? सांखला गांव में रहते हैं। ठीक है, तो आहर सिंह के पुत्र अक्षय से सांखला गांव को बहुत आस थी, बहुत ज्यादा आस थी, क्योंकि कि वह उदयपुर से रतन जड़ित तांबे की चमत्कारी अंगूठी लाएगा। कुछ हो गया होगा वहां पे, गांव में कुछ बीमारी होगी, उसके कारण उसके इलाज के लिए रतन जड़ित चमत्कारी अंगूठी की जरूरत थी। तो आहर सिंह का एक पुत्र था अक्षय, बहुत बहादुर था, उसको सांखला गांव से को बहुत आस थी कि वह उदयपुर से क्या लाएगा? रतन जड़ित तांबे की चमत्कारी अंगूठी लाएगा। अब देखो इसका कमाल देखो, आहर, आहर मतलब बात किसकी कर रहे हैं हम? आहर संस्कृति की बात कर रहे हैं। सिंह को छोड़ो, पुत्र छोड़ो, अक्षय, अक्षय से याद करो कीर्ति। देखो इसकी कीर्ति तो हो रही है, ये रतन जड़ित अंगूठी ला देगा तो कीर्ति होगी इसकी। तो अक्षय कीर्ति इसके कौन हो गए? खोजकर्ता। आगे देखो सांखला, सांखला से याद करोगे सांखलिया, सांखला से याद करोगे क्या? सांखलिया। तो सांखलिया क्या हो गए? एच डी सांखलिया, ये उसके उत्खनकर्ता हो गए। गांव को बहुत आस थी कि वह आहर संस्कृति किससे रिलेटेड है? कहां पे मिली? उदयपुर, उदयपुर से रतन, रतन से याद कर लो रतन चंद्र अग्रवाल भी इससे रिलेटेड है। सांखलिया जी और रतन चंद्र जी, ये दोनों उत्खनकर्ता थे, अक्षय की थी, तीनों आगे। ठीक है, रतन जड़ित तांबे की, तांबे से याद हो जाएगा क्या? ताम्रकालीन है, ताम्रकालीन सभ्यता है कि चमत्कारी अंगूठी, अंगूठी से भी एक चीज याद होगी कि तांबे के आभूषण कहां मिले? यही मिले थे तांबे के आभूषण, आगे बताऊंगा मैं, बात करूंगा इसकी। तो अंगूठी से आभूषण भी हो गए। तो देखो एक लाइन याद कर ली, ट्रिक पूरी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीजें देखो पूरी तो याद हो नहीं सकती, छोटा सा हिंट मिलते आंसर आ जाता है ना, है ना? तो वही चीज है, आहर सिंह के पुत्र अक्षय से सांखला गांव को बहुत आस थी कि वह उदयपुर से अपने रतन जड़ित तांबे की चमत्कारी अंगूठी लाएगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं यही देखूंगा लाइक किस किस ने किया है, तभी मुझे पता चलेगा मेरी ट्रिकें कैसी आपके लिए, और कहीं नहीं मिलेंगी ये ट्रिकें।
ठीक है, और नए हो, ऐसी ट्रिक और चाहते हो, राजस्थान जीके को बहुत अच्छा करना चाहते हो, मैथ को अच्छा करना चाहते हो, रीजनिंग से अच्छा करना चाहते हो, तो आज ही सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी हिट कर लेना, ठीक है। ये होगी बात इसकी। अब बात करते हैं इस आर्य संस्कृति की खुदाई करने के टाइम क्या क्या मिला, देखना अच्छे से। नींवों में पत्थरों का प्रयोग मिला, पहली चीज क्या है, नींवों में पत्थरों का प्रयोग। देखो सिंपल पूछ ले कि पक्की ईंटों का प्रयोग कहां मिला, तो आंसर तो क्या हो जाएगा, कालीबंगा, क्यों, वहां पे ईंटों का प्रयोग मिला। पर तो स्पेशली पूछ ले कि नींवों में पत्थरों का उपयोग कहां मिला, अपने इस आहड़ में मिला, छत दो तरफ की डाल वाली, मतलब आप नहीं देखते जहां बर्फ और पड़ती है वहां इस तरह की डाल वाली होती है, ये चीज, ये इस तरह की डाल वाली, तो ये कहां मिली थी, यहां मिली थी। मातृ देवी व बेल की मृण मूर्तियां मिली है, देखो बेल की मृण मूर्तियां मिली है, मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियां मिली है, मातृ देवी देवी की मिली है जिनकी पूजा करते थे, बेल की मृण मूर्तियां मिली है। चलो एक चीज और पूछता हूं आपसे, बेल की जो बेल है मतलब उसकी मूर्ति, अलग टाइप की मूर्ति कहां मिली है, एक अलग टाइप की मूर्ति मिली है, मृण की जगह एक दूसरा वर्ड आए तो आंसर दूसरा हो जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना वो वर्ड क्या है और वो कौन सी है, और हिंट दे देता हूं मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूछना जाना जरूरी है क्योंकि पीछे पढ़ा चुके हैं। तो बेल की ही मिली है मूर्ति मिली है, परंतु मृण की जगह कुछ अलग वर्ड है, और वो आंसर उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब देखो ये पढ़ लेना अच्छे से, लाल भूरे व काले मिट्टी के बर्तन मिले, यहां मर्द भांड भी लिखा होता है, मिट्टी के बर्तन क्या कहते हैं, मर्द भांड भी कहते हैं। तो देखो लाल भूरे व काले, तो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी आया हुआ तुम्हारे, और बच्चे आंसर करके आए कालीबंगा। देखो भाई कालीबंगा आंसर नहीं है, कालीबंगा बहुत पुरानी है, वहां पे सब ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, तो वहां जो मृद भांड मिले हैं ना उसमें सफेद और काले रंग का प्रयोग हुआ है, यहाँ थोड़े चटकारा आने लग गया, यानी लाल और भूरे का यूज हो रहने लग गया, तो चटकारे वाली कहानी आड़ है, थोड़ी नई है, और जो पुरानी है ब्लैक एंड व्हाइट वाली बातें करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट यूज करेंगे, ब्लैक और व्हाइट यानी सफेद और काले रंग का यूज किसमें किया है, कालीबंगा में किया है। वैसे ही देख लो यार, कालीबंगा खुद काली है आगे, है ना, तो वर्ड यूज कैसे करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, परंतु चटकारा लग जाए, लाल और भूरे यूज हो जाए, तो कौन सा आंसर होगा, आर संस्कृति। आगे देखो, अब तांबे से रिलेटेड काफी चीजें मिली है यहाँ पे, क्योंकि ताम्रकालीन संस्कृति कह रहे हैं, तांबे की कुलाड़ी मिली है, तांबे के आभूषण मिले हैं, तांबे की खाने मिली है लगभग 40 के आसपास, तो खाने भी मिली है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आर संस्कृति के बारे में, आर सभ्यता के बारे में, कि क्या क्या बातें हुई। बनास नदी के पास है, अक्षय कीर्ति ने खोजी थी, एसडी सांकलिया रतन चंद्र अग्रवाल इसके उत्खननकर्ता थे, मिला क्या यहाँ पे, मिला बहुत कुछ मिला, मातृ देवी और बेल के मण, मण यानी मिट्टी की मूर्तियां मिली है, उसके अलावा नींवों में पत्थरों का प्रयोग मिला है, उसके बाद क्या, चटकारे कलर यानी लाल भूरे और काले रंगों का मिट्टी पे वो बर्तनों पे कलर किया हुआ मिला है, तो ये सारी चीजें, दो छतों की डाल वाली मिली है, तो ये मेन चीजें, बाकी कुछ चीजें और होंगी तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब उसमें डाल दूंगा, ठीक है। बाकी मेन चीजें मैंने आपको बता दी है आर्य संस्कृति के बारे में, इसको यही खत्म करते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, हमारा थोड़ा पेपर भी काफी लेट है इसलिए, तो अगले वीडियो के लिए मैं जल्द हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अलविदा, कैसा लगा तो मुझे जरूर बताना, और इसके साथ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी बताइए कि इस तरह कुछ चैनल है, हम वहां पढ़ाई करते हैं, तो अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर रहूंगा, इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।